मैंने आज ही आपसे माफी मांगी थी और फिर आपने डाउट किया। I'm so stupid. I'm sorry, DB. पृथ्वी भैया, क्या कर रहे हैं आप? आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। लेकिन आपको चांदी से शिकायत होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जानवी, क्या कर रही है तू? तुझे बस एक बात याद दिलाना चाहती हूँ जानवी, कि मैं तेरी जेठानी होने से पहले तेरी बड़ी बहन हूँ। कोई बात नहीं, तुझे घर में किसी से कुछ भी कहने से डर लग रहा था, पर तू अपनी बड़ी बहन से अपने दिल की हर एक बात कह सकती है। अगर तूने घर में सबको ये सारी चीजें बता दी होती तो इतना बड़ा कंफ्यूजन होता ही नहीं ना। वो फैमिली ही क्या जो एक दूसरे का साथ ना दे मुश्किलों में, है ना डॉक्टर साहब? अभी फैमिली पे तो मुझे कोई लेक्चर देना नहीं है, लेकिन एक बात मेरी क्लियरली सुन लो जानवी, कान खोल के। हमारी फैमिली में बाकी सब कुछ चीजों का अनदेखा कर देते हैं, मैं नहीं करता हूं। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो चिराग मित्तल माफ नहीं करेगा, इंसाफ करेगा। मैं चाहता हूं कि आज रावण दहन दीपिका करे। ऐसा नहीं हो सकता। हर साल रावण दहन हमारे परिवार का सदस्य करता है, और इस साल ये शुभ काम हमारी फैमिली की बड़ी बहू के हाथों होगा। लावण्या, यही मेरा फैसला है। दीपिका ने सफाई नहीं दी, सिर्फ सच सबके सामने लाई। गलत तो इस परिवार ने इसके साथ किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने परिवार को पहले रखा। बात और बिगड़ सकती थी, दीपिका नाराज हो सकती थी, सबसे झगड़ा कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये अपने परिवार को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगर ये बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है तो और क्या है? रावण दहन दीपिका का हक है, और ये हक मैं इसे दे रहा हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।